हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आज हम बनाने वाले हैं मलाई सैंडविच। मलाई सैंडविच खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बच्चों को तो काफी पसंद आता है। तो आप भी इस मलाई सैंडविच को जरूर बना के ट्राई करें, और पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, अब मैं इसमें कटी हुई सब्जियाँ डाल लूंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च को काट लिया है, उसे डाल लेती हूँ। और मैंने यहाँ पे एक बड़ा टमाटर लेके उसे भी काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, उसे भी डाल लूंगी। उसके बाद एक खीरा लेके उसे भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, तो उसे डाल लेती हूँ मैं। उसके बाद अब हम इसमें एक बड़ा साइज का प्याज कटा हुआ डाल लेंगे, इसे भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आपके बच्चों को जो सब्जियाँ पसंद हो आप अपने हिसाब से उसे ऐड करें। अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर लूंगी और 1/2 छोटा चम्मच सैंडविच मसाला डाल रही हूँ। ये सैंडविच मसाला मैंने घर पे ही बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। अब मैं इसमें 1/2 कप के करीब मलाई ऐड कर लूँगी। मैंने यहाँ पे फ्रेश मलाई का यूज किया है, तो आप भी फ्रेश मलाई ही लें। तो अब मैं इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फ्रेश मलाई के लिए मैंने दूध को बॉईल करके और उसे ठंडा करके और 1 से 2 घंटे के लिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया। उसके बाद उस पर जो मोटी मलाई पड़ती है बस उसे ही हमें लेना है। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो चलिए अब हम सैंडविच बना लेंगे। सैंडविच बनाने के लिए मैंने व्हाइट ब्रेड लिया है, आप चाहें तो व्हाइट ब्रेड की जगह पे ब्राउन ब्रेड भी ले सकती हैं। अब मैं इसके ऊपर से सबसे पहले टोमेटो केचप लगा लूंगी, जो कि बच्चों को काफी पसंद आता है। और इसे अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे। अब मैं दूसरा ब्रेड ले लूंगी और उसके ऊपर से जो हमने मलाई वाली सब्जियां रेडी की है उसे लगा लूंगी और इसे भी मैं चारों तरफ अच्छे से फैला लूंगी। अब मैं इसके ऊपर से जो हमने टोमेटो केचप लगा के ब्रेड रेडी किया है उसे लगा लेते हैं। तो 2 सैंडविच हमने बना के रेडी कर लिया है, तो चलिए अब हम इसे फटाफट से सेक लेंगे। सैंडविच को सेकने के लिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल तवा लिया है, आप चाहे तो नॉन स्टिक तवा भी ले सकती हैं। और मैं इसके ऊपर से 1 चम्मच घी लगा रही हूँ, आप घी के जगह पे बटर भी लगा सकती हैं। अब मैं इसे चारों तरफ अच्छे से फैला लूंगी। अब मैं इसके ऊपर से सैंडविच रख लेती हूँ। मैंने यहाँ पे सैंडविच को घी में सेका है, क्योंकि घी हेल्दी होता है और ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो बच्चों को नुकसान भी नहीं करेगा। अगर आपके बच्चों को घी पसंद ना हो तो आप बटर लगा सकती हैं। और मैं इसके ऊपर से फिर से घी लगा रही हूँ और इसे चारों तरफ फैलाने के बाद हमें इसे हल्का हल्का प्रेस करके सेकना है। तो आप देख सकती हैं ये एक साइड से सिक चुका है, तो मैं इसे दूसरे साइड से भी सेक लेती हूँ। और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है, वरना ये जल सकता है। अब मैं दूसरे वाले सैंडविच को भी पलट के और इसे भी सेक लूंगी अच्छे से। ये सैंडविच फटाफट से रेडी हो जाता है। इसे बनाने में मुश्किल से हमें 5 मिनट का टाइम लगता है। सुबह सुबह अगर आप बच्चों को टिफिन के लिए आप देना चाहें तो ये सैंडविच बना के दे सकती हैं। तो आप देख सकती हैं मैंने सैंडविच को सेक लिया है, तो अब मैं इसे बीच से काट लेती हूँ। आपको अगर पसंद हो तो काटे, वरना आप इसे ऐसे भी खा सकती हैं। तो अब मैं दूसरे सैंडविच को भी काट लूंगी। तो सैंडविच बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। आपको जो पसंद हो, केचप, चटनी, आप उसके साथ इसे खा सकती हैं, आप इसे ऐसे भी खा सकती हैं। तो आपको जैसे पसंद हो आप अपने हिसाब से बनाएं और अपने बच्चों को जरूर खिलाएं। और पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।